वापी के छिरी विस्तार में आए मराठी विद्यालय के हॉल में रैप सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन में वापी, दमन, उमरगांव, वलसाड़ के सिंगरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सिंगिंग कंपटीशन में यूथ सिंगरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। युवाओं ने एक से बढ़कर एक रैप सॉन्ग गाए। सभी सिंगरों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी सिंगरों को मोटिवेट करते नजर आए। लोगों ने ये कंपटीशन का भरपूर लाभ उठाया था। इस कंपटीशन में कई महिला सिंगरों ने भी भाग लिया और स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखाई। उपस्थित ऑडियंस सिंगिंग का लुत्फ उठाते हुए नाचते कूदते नजर आई। वलसाड़ जिला के लिए यह गर्व की बात है कि जिला में न जाने कितने ऐसे कलाकार सिंगर हैं जो आए दिन ऐसे इवेंट करते नजर आते हैं। वन एंड ओनली बाबा बाबा हम लोगों ने आज महफिल का एक इवेंट किया था भाई, ऑर्गेनाइज़र थे हम लोगों का, अच्छा खासा सपोर्ट मिला इससे। काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग आए हुए थे, वापी के ही नहीं, वापी, दमन, सिलवास, मेरे ख्याल से मुंबई से तो भाई ये है एकाक्ष भाई, और मुंबई से और दो तीन आर्टिस्ट लोग आए थे। बहुत अच्छा लगा इवेंट में। भाई आगे बताएंगे इवेंट क्या ऑर्गेनाइज़ किए, कैसे किए सब कुछ। एक्चुअली ये सिंगिंग कंपटीशन था, साथ में शायरी कंपटीशन, पोएट्री, स्टैंड अप कॉमेडी और रैपिंग। रैपिंग बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करी है। यहाँ पर बहुत सारे रैपर आए हैं जगह जगह से, मुंबई, फिर उमरगांव की तरफ से, वापी के भी कुछ रैपर थे। सबने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। 12 से 15 लोगों ने परफॉर्म किया है और ऑडियंस भी यहाँ की काफ़ी अच्छी ऑडियंस आई थी और बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करके मेरा इवेंट कम्प्लीट करवाया। तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम है होप एजी और मैं बिलोंग करता हूं वापी से, और मैं कम से कम ये 2014 से मैं रैप म्यूज़िक ये सब में घुसा हुआ हूं। अब जाके लोगों का प्यार भी दिख रहा है और आगे थोड़ा ऐसा लग भी रहा है कि लोग फैला रहे मेरे को, और सपोर्ट करते रहो, हमेशा करो। ये ऐसे इवेंट्स काफ़ी सारे वापी, दमन में होते रहते हैं, उससे अलग भी मुंबई भी जाते रहता हूँ मैं, काफ़ी सारे इंदौर में भी गया और अलग अलग ऐसी जगहों पर मैं शोज़ वगैरह करते रहता हूँ। तो आप भी सपोर्ट करो, फैलाओ रैप को, मैं चाहता हूँ आगे लेके जाए, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ रैप जैसे लोग लिखते हैं, अपने दिल की आवाज़ लिखते हैं कि लोगों ने देखा क्या है, उनकी ज़िंदगी पे क्या बीती। आजकल कोई भी देखना रैपर, कोई भी स्टडीज़ वगैरह में आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो क्या करता है, अपने गाने लिखने बैठ जाता है। मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं स्टडीज़ वगैरह पे सब ध्यान नहीं दे पाया, घर वाले चिल्लाते कि तू कुछ कर, कुछ कर, घर पे रोज़ी कर, तू पैसे ला के दे, कमा रहा नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे को ये एक फील्ड दिखा, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं लिख के अपने आप को आगे फैलाना चाहता हूँ। तो आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हर रैपर को सपोर्ट करो, उसको डिजर्व करना चाहता है वो कि उसकी कला उसको आगे लेके जाए। आप लोगों के प्यार से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और K29 वेकअप न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत थैंक यू और स्प्रेड लव। गाइस, मेरा नाम एकाक्ष है, आप लोग को इसका स्पेलिंग चाहिए तो EKAAKSH, तुम लोग इसको यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई म्यूजिक पे, एप्पल म्यूजिक पे, सब जगह ढूंढ सकते हो, तुम लोग जो कुछ भी यूज़ करते हो। मैं हूँ, ये साल एक एल्बम आने वाली है मेरी जिसका नाम है शैम्पेन सपने, इट वॉज नॉट अ ड्रीम। गुजरात के जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ जाके ये एल्बम को ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक गाने को 1 मिलियन व्यूज़ जाने पे मैं एक ओल्ड एज होम को वो पूरा पैसा जाके डोनेट करने वाला हूँ। तो आप लोग ये एल्बम को फैला देना। एक गाना ऑलरेडी आउट हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे है ऑलरेडी, आप लोग जाके इसको ज़रूर देखना और इसको ज़रूर आप फैलाना। थैंक यू सो मच, सो मच, और आप लोग का भी बहुत थैंक यू, वेकअप न्यूज़ का, K29 का, बहुत बहुत थैंक यू हम लोग को कवर करने के लिए और हम लोग को ये सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच।